first, welcome back to the channel everyone. In this video, I'll be sharing my views on MBBS abroad admissions in 2020, and I will be also talking about NEET examinations जो होने वाले हैं 2020 में इस साल. उसके बारे में कोई न्यूज़ आई है, कोई थोड़ी बहुत अपडेट आई है, वो मैं शेयर करूँगा आपसे. एंड देन मोस्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स वेर आस्किंग मी कि MBBS अब्रॉड करने के लिए कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छी है. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो, दैट विच कंट्री यू शुड प्रेफर फॉर MBBS अब्रॉड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल बी टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस इम्पैक्ट ऑन MBBS अब्रॉड एडमिशन्स इन 2020. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So guys, MBBS abroad admissions usually starts from May, and the last date for arrival for the students is 31st October. 31st October तक universities आपको invite करती है. उसके बाद शायद उसके बाद अगर कोई आता है तो फिर उसका admission नहीं हो पाता है. लेकिन because this year due to coronavirus, maybe date extend हो सकती है till May, November और January तक भी admissions ले सकते हैं ये लोग, कोई भरोसा नहीं है. सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द नीट एग्जामिनेशन ऑफ 2020. नीट 2020 का न्यू डेट जो आया है वो 26 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला था. मे भी शायद एक्सटेंड भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, शायद लेट भी हो सकता है. लेकिन अभी फ़िलहाल 26 जुलाई डेट है. 3 साल तक वैलिड कर दिया है नीट को, 3 साल, यानी कि 2018 या 2019 में भी जिसने दिया होगा नीट, वो भी इस साल एडमिशन ले सकते हैं MBBS अब्रॉड में उस मार्क्स के बेस पर जो पिछले साल या 2018 में उनको जो आए थे मार्क्स, उस बेस पर हम लोग एडमिशन ले सकते हो. अकॉर्डिंग टू माई थॉट्स, इस साल जो है एडमिशन्स विदाउट नीट होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में कोरोना वायरस तो बढ़ते ही जा रहा है, तो शायद एग्ज़ाम हो भी ना पाए. इसलिए मुझे लगता है कि बिना नीट के एडमिशन्स हो जाने चाहिए अब्रॉड में. काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि किर्गिस्तान बेटर है या चाइना से करना चाहिए अपना MBBS, और रशिया इज़ बेटर और यूक्रेन इज़ बेटर, ऐसे सब सवाल पूछते रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे. तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप MBBS करना चाहते हो अब्रॉड से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस कंट्री के बारे में रिसर्च करो कि वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर मीन्स पढ़ाई कैसे है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में क्या होता है अब्रॉड में, कि बाईलिंगुअल कोर्स माने कि जैसे आपको 3 साल जो है वो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा और 3 साल जो है आपको उस कंट्री के लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा. तो काफ़ी लोग को परेशानी होती है इसमें, काफ़ी लोग को फेल हो जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में पढ़ना इतना आसान नहीं है. जिसको अच्छे से लोकल लैंग्वेज आती है उस कंट्री की, वही इसको क्रैक कर सकता है. सो डिफ़िकल्टीज आती है स्टूडेंट्स में, पहले तो एडमिशन ले लेते हैं, बाद में फिर 3 साल तक इंग्लिश चलता है तब तक तो अच्छे मार्क्स आते हैं. लेकिन जब लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई स्टार्ट होती है आफ्टर 3 ईयर्स, तब वहाँ पर लोग पास नहीं हो पाते, फेल हो जाते, काफ़ी डिप्रेशन में आ जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिसर्च अबाउट द यूनिवर्सिटी की कहाँ कौन से कोर्स चल रहे हैं, बाइलिंगुअल है या फुल इंग्लिश है या फुल लोकल है, ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं. तो यू शुड डू रिसर्च अबाउट दैट. देन टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट के बारे में, कोई कंट्रीज़ बहुत कोल्ड होती है, जैसे -40, -50 भी चले जाते हैं किसी कंट्रीज़ में. सो यहाँ आने से पहले ये भी देखना चाहिए कि हम अडेप्ट करेंगे या नहीं. वहाँ पे ऐसी कंट्रीज़ चूज़ करो जहाँ पे ज़्यादा ठंड ना हो, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे ठंडा ही क्लाइमेट रहता है, तो काफ़ी लोग बीमार हो जाते हैं. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद बीमार हुआ था यहाँ आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे भी स्नोफॉल अच्छा खासा होता है. तो ऐसी कंट्रीज़ चूज़ करो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं होता है और आप लोग अडेप्ट कर पाओगे. क्योंकि आने के बाद तो बच्चा यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद अडेप्ट नहीं कर पाता, फिर उसको घर पे जाना पड़ता है वापस से. सो पैसा भी वेस्ट होता है और टाइम भी वेस्ट होता है. इससे अच्छा पहले ही रिसर्च करके आप चेक करके आओ कि वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है और कैसा टेम्परेचर वगैरह होने वाला है. देन आफ्टर द क्लाइमेट, तीसरी बात ये होती है कि वो कंट्री कितनी सेफ़ है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए. काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ है जो सेफ़ नहीं होती है. वहाँ के सीनियर्स को आप पूछ सकते हो अगर पहचान वाले हैं तुम्हारे तो, कि वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स कैसे हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए. मैं जहाँ किर्गिस्तान में हूँ यहाँ पे तो सेफ्टी ठीक है, लेकिन ऐसे भी कोई यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहाँ पे इतनी सेफ्टी नहीं होगी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए. तो ये भी आप रिसर्च करके जाए कि कहाँ सेफ़ है कहाँ नहीं है, क्योंकि अगर सेफ्टी नहीं है तो वहाँ जाके मतलब नहीं है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेंडिचर. हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर होता है. कोई अगर मिडिल क्लास से है या फिर ज़्यादा पैसे नहीं है उनके पास, तो वो ऐसी यूनिवर्सिटी चुने जहाँ पे फ़ीस कम हो. फॉर एग्जांपल ओ स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे काफ़ी कम है फ़ीस, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपका पैसे का प्रॉब्लम है तो. अगर आप मॉस्को या फिर फिलीपींस वगैरह में भी बहुत महंगा होता है, इन जगहों पे जाते हो तो वहाँ पे खर्चा काफ़ी आ जाता है. तो आप ऐसी कंट्री चूज़ करो जहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम हो.
ओके सो आफ्टर दैट शॉट आई डिड नॉट व्लॉग फॉर लाइक 6 days बिकॉज मेरा गोस का एग्ज़ाम आ गया था. तो जो मैंने पिछला शॉट जो लिया था वो 18 May को लिया था एंड आज है 24 May. सो आई एम कंटिन्यू दैट व्लॉग टुडे. 6 days में मेरे दो एग्जामिनेशन हुए गोस के. फर्स्ट वॉज रिटन एग्ज़ाम विच वॉज MCQ ऑनलाइन एंड द नेक्स्ट वन वॉज वाइवा. सो ओरल लिया गया था हमारा. तो दोनों भी एग्ज़ाम क्लियर हो चुके हैं मेरे. सो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका है. अभी इसके बारे में डिटेल अगले ब्लॉग में बताऊंगा कैसे रहा मेरा ग्रेजुएशन एंड ऑल. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दैट विच कंट्री वी वर टॉकिंग अबाउट दैट विच कंट्री यू शुड प्रेफर. सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड प्रेफर लाइक किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड सबका हॉट फेवरेट है यूक्रेन एंड जॉर्जिया ऑल्सो. सो दिस बेसिकली दिस कंट्रीज आर वेरी मच गुड फॉर MBBS अब्रॉड एडमिशंस. एंड बाय द वे आई जस्ट रियलाइज दैट टुडे इज ईद. सो सभी भाइयों के लिए मेरे ईद मुबारक. आज ईद के मौके पे यहाँ पर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग पार्टी दे रहे हमें, जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं लाइक जियाउर देन मुजा एंड शारिक एंड ऑल. तो इन लोग की पार्टी है आज. तो पार्टी करेंगे, आपको भी दिखाएंगे इसी ब्लॉग में कि पार्टी कैसी हुई है. सो लेट्स मूव फर्दर टू द टॉपिक दैट कोरोना वायरस इम्पैक्ट ऑन MBBS अब्रॉड एडमिशंस. सो गाइस आई हैव लिस्टेड डाउन सम ऑफ द नेम्स ऑफ द कंट्रीज हियर एंड वहाँ पे कितने केसेस है और कितने रिकवर हो गए इस बारे में हम लोग बात करेंगे. एंड आई विल टेल दैट विच कंट्री विल बी सेफ नाउ बिकॉज ऑफ द कोरोना. सो लेट्स गो वन बाय वन. आई हैव लिस्टेड मेनी कंट्रीज. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट पॉपुलर कंट्री वेयर स्टूडेंट्स लाइक टू गो इज़ यूक्रेन. एंड यूक्रेन में जो अभी केसेस है ये आज 24 है, लेकिन ये जो मैंने केसेस लिखे थे ये 18 को लिखे थे. सो 18 के डेट पे केसेस थे 17,856 एंड रिकवर हुए थे 4,906 एंड दैट्स वेयर 496. और यहाँ पे कंपेरेटिवली यहाँ पे कम है, नॉट इंडिविजुअली, कंपेरेटिवली यहाँ पे काफ़ी कम केसेस है. तो यहाँ पे आप इजीली एडमिशन ले सकते हो, इट विल बी सेफ फॉर यू. सो देन डेडलाइन ऑफ दिस कंट्री इज़ 31st October 2020. सो 31st October तक आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो. एंड आई विल सजेस्ट यू कैन गो विदाउट एनी डाउट हियर. कोई टेंशन लेने की बात नहीं है अबाउट दैट वायरस. एंड ये डेट जो है यूक्रेन की एक्सटेंड भी हो सकती है. द सेकेंड मोस्ट फेवरेट कंट्री ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इज़ जॉर्जिया. जॉर्जिया में अभी कंफर्म केसेस 36,772 है एंड रिकवर्ड जो हुए वो 687 है एंड डेथ्स आर 1588. सो यहाँ पे भी सेफ है ये कंट्री अभी भी. कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गोइंग इन जॉर्जिया देन यू कैन ईजिली गो विदाउट एनी डाउट. लाइक जॉर्जिया में जनवरी लास्ट डेट तक एडमिशन्स होते हैं. सो एंड ऑफ द जनवरी तक भी आप एडमिशन ले सकते हो यहाँ पे. बाकी कंट्रीज़ में जो है वो अगस्त सितंबर या फिर अक्टूबर तक एडमिशन्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद एडमिशन्स अलाउ नहीं करते वो लोग. लेकिन जॉर्जिया में जो है वो जनवरी के लास्ट डेट तक आप एडमिशन ले सकते हो. एंड मे बी जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा जॉर्जिया में वो ऑनलाइन कर सकते हैं वो लोग, बिकॉज आजकल स्टडी फ्रॉम होम चल रहा है. तो शायद फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो आपका ऑनलाइन हो सकता है घर बैठे बैठे. मूविंग टू द थर्ड मोस्ट फेवरेट कंट्री, सो दिस इज़ बेलारूस. एंड बेलारूस में कन्फर्म केसेस है 28,681 एंड रिकवर्ड जो है वो है 9,498 एंड डेथ्स जो है वो है 160. सो अगेन दिस इज़ ऑल्सो ए सेफ कंट्री, बट आई वुड नॉट प्रेफर यू टू गो हियर बिकॉज जो मेरे फ्रेंड्स है यहाँ पढ़ रहे हैं वो कह रहे थे कि इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है. अब ये उनका खुद का ओपिनियन है, तो जो डोंट जज फॉर मी ऑन दैट. जो भी देख रहे हैं बेलारूस से बुरा मत मानो, ये मेरे फ्रेंड्स का ओपिनियन है. सो वही मैं आपको बता रहा हूँ. एंड बेलारूस का भी जो लास्ट डेट है वो जनवरी लास्ट वीक तक एडमिशन लेते हैं. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो. एंड यहाँ पर भी जो है ऑनलाइन फर्स्ट सेमेस्टर होने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा. द नेक्स्ट कंट्री इज़ रशिया. रशिया में कंफर्म केसेस हो चुके हैं 2,82,000 एंड रिकवर्ड जो हुए वो है 67,373 एंड जो डेथ्स हुए वो है 2,631. सो इसका डेडलाइन बताना मुश्किल है कि लास्ट डेट कब तक होगा एंड व्हाट अबाउट ऑनलाइन कोर्स एंड ऑल. कुछ पता नहीं है अभी रशिया के बारे में बिकॉज कोई न्यूज़ नहीं आई है वहाँ से एंड केसेस भी काफ़ी ज़्यादा है. सो अगर आप यहाँ एडमिशन ले रहे तो थोड़ा सोच के एडमिशन लेना. एंड ऑनलाइन स्टडीज़ का भी अभी कुछ पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है यहाँ से. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंट्री. सो द नेक्स्ट कंट्री इज़ चाइना.
एंड चाइना में अभी कोई जाने का हिम्मत ही नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस है। तो केसेस थे एक्चुअली, अभी तो काफ़ी रिकवर हो चुके हैं एंड एवरीथिंग इज़ सेटल डाउन देयर, बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स विल थिंक ट्वाइस टू सेंड देयर चिल्ड्रंस देयर। सो चाइना में केसेस थे 82,947 एंड रिकवरी जो है काफ़ी अच्छी है 78,227 एंड दैट्स 4,634 एंड चाइना इज़ ऑल्सो रेडी फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो ऑनलाइन होगा, तो चाइना इज़ रेडी फॉर द ऑनलाइन क्लासेस एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो हियर। एंड मैं रशिया में सजेस्ट नहीं करूँगा जाना, लेकिन चाइना में यू कैन गो बिकॉज केसेस जो है वो उसमें से मोस्ट ऑफ देम आर रिकवर्ड। सो इतने अभी केसेस वहाँ पे एक्टिव केसेस मिल नहीं रहे, सो धीरे धीरे सब सही हो रहा है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जा सकते हो, इस साल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट कंट्री, दिस इज़ द कंट्री वेयर आई एम स्टडीइंग, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में अभी केसेस है 1,138 एंड रिकवरी जो है वो है 804 एंड डेथ जो है वो है 14। यहाँ पे केसेस भी बहुत स्लो बढ़ रहे हैं और रिकवरी भी काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पे मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि लॉकडाउन वगैरह भी खुल गया है, टैक्सी खुल गए 25 से, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी खुल रहे, ओश बाज़ार जो है वो भी खुल गया है। एवरीथिंग इज़ नाउ इज़ हीलिंग हियर, सो ओश इज़ हीलिंग वेरी फास्ट फ्रॉम दिस वायरस। सो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ की फ़ीस भी मैंने बताई कि बाकी कंट्रीज से काफ़ी कम है यहाँ पे फीस, सो यू कैन कम हियर। एंड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बताऊँगा कि ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं यहाँ पे भी, मे बी दे विल गिव ऑनलाइन क्लासेस, बट इसके ऊपर मुझे डाउट है, अभी कंफर्मेशन आई नहीं है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, रूमर्स है ये। एंड लास्ट डेट ऑफ किर्गिस्तान विल बी लाइक अक्टूबर एंड तक यहाँ पे एडमिशन्स लेते हैं, उसके बाद अगर आप लेट हो जाओगे तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट कंट्री, सो कज़ाकिस्तान में केसेस हो चुके हैं 6,157 एंड रिकवरी जो है वो है 2,980 एंड डेथ जो है वो है 34। सो कज़ाकिस्तान अगेन, सम ऑफ देम वांट टू गो देयर, इंटरेस्टेड इन गोइंग देयर। सो मैंने काफ़ी फ्रेंड्स है वहाँ पे, तो उन लोग ने बताया कि वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस का प्लानिंग चल रहा है जो फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे, सो इफ़ यू वांट टू गो देयर यू कैन गो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंट्री नाउ। नेक्स्ट कंट्री इज़ गाइज इंडिया, और इंडिया के बारे में इसलिए मैं बात करूँगा क्योंकि अगर आपको यहाँ से किसी एब्रॉड MBBS के लिए जाना है तो जो सामने वाली कंट्री है वो भी देखेगी कि हमारे जो जहाँ से स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे कितने केसेस है। अगर इंडिया में केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो सामने वाली कंट्री हमको बुलाएगी नहीं, क्योंकि वो भी सोचेगी इतनी इन्फेक्टेड जो कंट्री है वहाँ से क्यों हम स्टूडेंट्स को बुलाए और अपने लिए एक ख़तरा मोल ले। तो अपने कंट्री का भी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आना चाहिए अगर हमको एडमिशन लेना है तो। तो बाकी कंट्रीज़ ये भी देखेगी कि इंडिया जो है वो रिकवर हुई या नहीं हुई है। अगर रिकवरी हो जाती है तो सामने वाली कंट्री इनविटेशन दे सकती है मेनी स्टूडेंट्स के लिए। एंड सॉरी गाइस, लेट वीडियो डालने के लिए, लाइक लास्ट जो वीडियो थी वो 11 मई को आई थी और आज आ रही है 24 को, सो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन क्या कर सकते, एग्ज़ाम ज़रूरी होती है, तो एग्ज़ाम के शेड्यूल में मैं बिज़ी हो गया था और ग्रेजुएशन का टाइम है तो थोड़ा बहुत बिज़ी रहता हूँ, एंड इसके बाद तो और बिज़ी होने वाला हूँ क्योंकि MCA का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना भी ज़रूरी है। तो दैट्स इट गाइज फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू गाइज लाइक द वीडियो, इफ़ यू डिड देन मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज अंकित कनौजिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, एंड वंस अगेन हैप्पी ईद मुबारक टू एवरीवन, बाय बाय। Yeah.